Hello students, in this video we will continue further with magnetism. So this is lecture 11. Okay, so in this lecture we are going to start off with basically potential energy of a magnetic dipole when it is kept in a magnetic field. आपको याद है प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कहा था कि कोई भी करंट कैरिंग लूप होता है, ये करंट कैरिंग लूप या मैग्नेटिक डायपोल या ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. जैसे बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होता है ना, नॉर्थ पोल से ये बाहर निकलती है और साउथ पोल के अंदर जाती है, एंड देन मैग्नेट के अंदर इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. उसी तरह से मैंने आपको कहा था कि कोई भी कॉइल है मान लो जिसके अंदर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये आपका क्लॉकवाइज करंट है. तो व्हेन यू हैव अ क्लॉकवाइज करंट दिस फेस विल एक्ट लाइक अ साउथ पोल एंड इसके पीछे वाला जो फेस होता है दैट विल एक्ट लाइक अ नॉर्थ पोल, करेक्ट. सो व्हाट वी रियलाइज इज दिस करंट कैरिंग कॉइल दिस बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू कीप, सो बार मैग्नेट के अंदर दो पोल्स है तो इसको हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक डायपोल. तो उसी तरह से ये भी आपका हो गया मैग्नेटिक डायपोल. ओके, ये जब मैग्नेटिक डायपोल की हम लोग बात करते हैं तो ये मैग्नेटिक डायपोल जो होता है ये when you keep it in magnetic field, आप जब इसको एक external magnetic field के अंदर रखते हो तो क्या होता है, let's try to see that. So जैसे electric dipole होता है, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, मान लो ये आपका electric dipole है plus and minus charges and आप इनको electric field में, इस electric dipole को आप इसको electric field में रखते हो तो इसकी जो potential energy होती है that is given by, so ये आपका dipole moment vector ऐसा है, it is minus p dot e, करेक्ट. ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस पी डॉट ई. सो दिस इज सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो व्हेन यू कीप अ मैग्नेटिक डायपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, जैसे यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल देते हैं डायपोल मोमेंट, वैसे यहां पे आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दोगे जिसके लिए हम लोग एम ये वेरिएबल यूज करते हैं. सो दिस इज एम डॉट बी. हम लोगों ने देखा हुआ है ना ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है दैट इज एन इंटू आई इंटू एरिया वेक्टर. एंड हाउ डू यू फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, तो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है आप फिंगर्स को उस डायरेक्शन में कर्ल करते हो तो थंब जो होता है थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. ओके, ठीक है. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल व्हेन इट इज केप्ट इन एन मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय माइनस एम डॉट बी. ओके, सो आई कैन राइट दिस एज पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस एम इंटू बी इंटू कॉस थीटा. सो दिस पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज एम कैन बी रिटन एज एन इंटू आई इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा. ठीक है ना, यहां के इसके डेरिवेशन में हम लोग नहीं जाते. इसका डेरिवेशन इज सिमिलर टू द डेरिवेशन ऑफ दिस, ये इसका डेरिवेशन हम लोगों ने किया हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस. ओके, सो फाइन. नाउ मान लो यू हैव अ मैग्नेटिक डायपोल. ओके, लेट्स से मैग्नेटिक डायपोल जिसका ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, एंड लेट्स से दिस इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड जिसका डायरेक्शन ये है, दिस इज योर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ओके, नाउ आप इस मैग्नेटिक डायपोल को रोटेट कर रहे हो, ये जो मैग्नेटिक डायपोल ऐसा है हमें इसको रोटेट करना है. ओके, तो लेट्स से इनिशियल एंगल इज थीटा वन, फाइनल एंगल इज थीटा टू. सो थीटा इज बेसिकली द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो इन दिस केस देयरफॉर वर्क डन, ओके, टू रोटेट, वर्क डन टू रोटेट द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मोमेंट, दिस वर्क डन, दिस इज कैलकुलेटेड एज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी.
अब हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम बी कॉस थीटा, सो योर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी एम बी कॉस थीटा फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जीज एम बी कॉस थीटा इनिशियल, सो ये प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बिकम एम बी कॉमन निकलेगा कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। यू कैन इफ यू कंपेयर दिस, दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द फॉर्मूला दैट वी हैव डिराइव्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी अगर जो आपको इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करना है तो आपका फॉर्मूला यही होता है, पी इंटू ई इंटू कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। ओके, आपने ये चीज को इस तरह से भी डिराइव कर सकते हो। सी, हमें ये पता है कि आप जब भी किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, सो वी कैन डिराइव इट दिस वे। अब वी नो दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल is kept in magnetic field, then it experiences a torque correct। हमने ये देखा है ना, कल हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में वो देखा था कि ये ऐसे रोटेट भी हो सकता है वो कॉइल, सो आई कैन से दिस देयरफॉर ये टॉर्क कितना होता है, दिस इज एम इंटू बी इंटू साइन थीटा। ओके, अब मान लो कि ये ऐसे ही आपका, लेट से ये ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड में है रखा हुआ है एंड आप इसको ऐसे रोटेट कर रहे हो, तो रोटेट कर रहे हो तो वर्क इज डन बाय दिस टॉर्क ना, ये टॉर्क जो है वो वर्क कर रहा है, सो आई कैन राइट देयर फॉर वर्क डन बाय द टॉर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टॉर्क डी थीटा, जहां पे आपका थीटा जो है इट इज वेरिंग फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू। ओके, या थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल, तो ये कितना हो जाएगा, सो योर वर्क डन वुड बी इंटीग्रल ऑफ एम इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, थीटा वेरीज फ्रॉम थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल, एम और बी बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा एंड थीटा वेरीज फ्रॉम थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल, तो ये जो आपका वर्क डन होगा, दिस वर्क डन वुड बी इक्वल टू, आप लिमिट्स पुट करो तो आपको इवेंचुअली ये सेम इक्वेशन मिलेगा, कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। ओके, सो वर्क डन इन रोटेटिंग, वर्क डन इन रोटेटिंग, आई कैन से वर्क डन इन रोटेटिंग मैग्नेटिक डायपोल इज इक्वल टू एम बी इंटू कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। थीटा इनिशियल क्या है, थीटा इनिशियल इज बेसिकली द एंगल बिटवीन, इनिशियल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट, थीटा फाइनल इज द फाइनल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इसमें अब आप लोगों को डाउट नहीं है। ओके, अब जैसे हम लोगों ने यहां पे पढ़ा था, मैं ये कहूंगा कि वाइल वॉचिंग, बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, एक काम करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट्स ओपन करो। ओके, एक बार ये वीडियो यहाँ पे स्टॉप करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट्स ओपन करो एंड ये जो है इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पे जो सारे रिजल्ट हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, हम लोगों ने दो टाइप के इक्विलिब्रियम्स पढ़े थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो वो सारी जो चीजें है ना, वो सारी चीजें आप एक बार गो थ्रू करो एंड उसी के बाद फिर आगे इस वीडियो को देखो, ठीक है, फाइन। सो वी विल नाउ लुक एट टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वो देखते हैं अब हम लोग। ओके,
types of equilibrium. Equilibrium. Okay. Now, please remember this, अगर जो आपका magnetic moment vector ऐसा है ना, तो आप ना ऐसे imagine करो कि एक bar magnet रखा हुआ है. This is the north pole, this is the south pole. क्योंकि magnetic moment vector जो होता है वो हमेशा south pole से north pole की तरफ होता है. Okay. आप अगर जो इस magnetic moment vector को या magnetic dipole को अगर जो आप external magnetic field के अंदर रखते हो, तो क्या होता है कि आप इसके जगह पे ये इमेजिन करो कि एक बार मैग्नेट को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है. नाउ क्या होगा पता है, ये जो नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल पे फोर्स लगता है. सी किसी भी चार्ज को आप अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो दिस चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा. उसी तरह से आप किसी भी मैग्नेटिक पोल को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, तो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. नॉर्थ पोल पे जो फोर्स होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, तो ये डायरेक्शन में होगा. एंड साउथ पोल पे जो फोर्स होगा वो उल्टे डायरेक्शन में होगा. साउथ पोल नेगेटिव चार्ज की तरह एक्ट करता है, सो फोर्स वुड बी ऑन द अपोजिट साइड. आप खुद ही सोचो, एक ऐसा मैग्नेट है, एक साइड पे आप जो फोर्स है वो ऐसे लगा रहे हो, दूसरे साइड पे फोर्स जो है आप ऐसे लगा रहे हो, तो ये ऐसे रोटेट करेगा ना. सो व्हाट वुड हैपन इज दिस मैग्नेट विल रोटेट. बाय द सेम लॉजिक दिस डायपोल विल आल्सो रोटेट. ठीक है, तो अब आपको क्या इमेजिन करना है पता है, इफ यू नो दैट डायपोल मोमेंट वेक्टर ये डायरेक्शन में है एंड मान लो मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, तो इसके जो हेड पे, इसका जो हेड है ना, दिस इज द हेड ऑफ दिस वेक्टर, इस पे फोर्स सेम डायरेक्शन में लगाओ, ये जो टेल है इस पे फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगाओ, तो आपको अपने आप से आइडिया आ जाएगा कि क्या होगा. तो ये फोर्स इस पे ये डायरेक्शन में, इस पे फोर्स टेल पे फोर्स उल्टे डायरेक्शन में, आप इसको घुमाओगे तो ये ऐसे घूम जाएगा. सो दिस विल रोटेट. रोटेट होने के बाद ये आपका जो मैग्नेटिक डायपोल वेक्टर है ये ऐसे हो जाएगा. ठीक है, अब मान लो कि आपने मैग्नेटिक डायपोल वेक्टर को ऐसे ही रखा हुआ है. दिस इज योर मैग्नेटिक डायपोल वेक्टर एंड आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसी ही है. ओके, नाउ इन दिस केस द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय दिस इज इक्वल टू एम क्रॉस बी. नाउ एम और बी सेम डायरेक्शन में, तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा. So in this case I can say that if M and B are in same direction, if M and B are in same direction, then the torque on magnetic dipole is zero. The torque on magnetic dipole is zero. ठीक है, so if M and B are in the same direction, then the torque on magnetic dipole जो है वो magnetic dipole पे torque zero होगा. Torque zero होगा तो ये dipole आपका rotate नहीं करेगा. So I can say, therefore dipole will not rotate, right? अभी अगर जो डायपोल रोटेट नहीं करेगा, तो इस केस में व्हाट कैन आई से, अगर जो डायपोल रोटेट नहीं करेगा तो देयरफॉर इट इज एट इक्विलिब्रियम. अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है. तो स्टेबल है या अनस्टेबल है ये डिसाइड करने के लिए वापस हम लोग क्या करेंगे. सो मान लो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है हमें पता है कि ये डायरेक्शन में है. स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आप इसको थोड़ा सा रोटेट करते हो. अब थोड़ा सा रोटेट करते हो तो आप इस डायपोल को आप ऐसे कर दो. अब मैंने आपको बोला है कि हेड पे जो फोर्स होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, टेल पे जो फोर्स होगा वो उल्टे डायरेक्शन में होगा. तो मान लो ये ऐसा है. ओके, ये आपका डायपोल ऐसा है. हेड पे फोर्स
ये जो आपका हेड है, हेड पे फोर्स ये डायरेक्शन में, टेल पे फोर्स ये डायरेक्शन में, तो आप अगर जो ये ऐसे फोर्सेस लगाओगे तो ये वापस सीधा हो जाएगा. सो इन दिस केस इट विल कम बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन. इसकी इक्विलिब्रियम पोजिशन ऐसी थी. ओके, सो वॉट विल हैपन इज इवन ऑन डिस्टर्बिंग अ बिट इट अगेन कम्स बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन. सो बिकॉज इट कम्स बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन आई कैन से इट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके, नाउ इफ यू लुक एट पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, यहां पे एक मिनट, यहां पे द डायरेक्शन बिटवीन एम एंड बी, द एंगल बिटवीन एम एंड बी इज 0 degrees, क्योंकि ये दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में है. सो इफ द एंगल बिटवीन एम एंड बी इज 0 degrees, वॉट कैन आई से, आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है दिस इज माइनस एम बी कॉस थीटा. सो दिस इज माइनस एम बी कॉस थीटा कॉस जीरो, कॉस जीरो इज 1. सी कॉस थीटा की वैल्यू जो है, इफ यू सी ओवर हियर, कॉस थीटा की वैल्यूज जो है वो -1 to 1 के बीच में लाई करेंगी. तो ये जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, इफ यू पुट कॉस थीटा इज -1, सो -mb into -1 दिस बिकम्स +mb. ओके, एंड अगर जो आप कॉस थीटा की वैल्यू 1 पुट करते हो तो आपको एनर्जी होगी -mb. सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ना, -mb मतलब ये माइनस है तो दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो अगर जो आप पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ बनाते हो, सो दिस इज थीटा, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी. व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, अगर जो आपका थीटा 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी इज -mb. पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ये होता है ना, -mb कॉस थीटा. तो ये जो है ये -mb 2+mb के बीच में वेरी करेगा एंड ये ग्राफ ऐसा होगा. तो ये जो सारे पॉइंट्स है, दीज पॉइंट्स ए बी सी, दीज रिप्रेजेंट द मिनिमा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. And whenever you have a minima of potential energy, we say that is a stable equilibrium. Last year हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था, ये होता है आपका stable equilibrium. Okay. Now ये जो graph है, this is your maxima of potential energy. अब this is, if this is a maxima of potential energy, तो in this case, okay, if this is a maxima of potential energy, दिस रिप्रेजेंट्स, ये भी आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट्स ही होते हैं, बट दे रिप्रेजेंट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके, सो व्हेनेवर द पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ के अंदर जो मैक्सिमा पॉइंट्स होता है, दोज मैक्सिमा पॉइंट्स रिप्रेजेंट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. जो मिनिमा पॉइंट्स होता है, दोज मिनिमा पॉइंट्स रिप्रेजेंट स्टेबल इक्विलिब्रियम. सो इन पॉइंट्स पे आपका जो टॉर्क होगा, टॉर्क विल बी इक्वल टू 0. सो राइट, एट ऑल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, एट ऑल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स टॉर्क इज इक्वल टू 0. ओके, सो आपको बस ये याद रखना है कि व्हेन मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर जो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इट रिप्रेजेंट्स अ स्टेबल इक्विलिब्रियम. इट विल रिप्रेजेंट अ स्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके, सो जब दोनों के बीच का एंगल 0 degrees होता है, इट रिप्रेजेंट्स अ स्टेबल इक्विलिब्रियम. अब दूसरा केस वो देखते हैं कि अगर जो दोनों के बीच का जो एंगल है, दैट इज नॉट 0 degrees, ओके, दैट इज 180 degrees. सो इस केस में आपकी मैग्नेटिक फील्ड मान लो ये डायरेक्शन में है, आपका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर जो है वो ये डायरेक्शन में है. तो ये जो एंगल है, दिस इज 180 degrees. आप टॉर्क निकालोगे तो दैट इज mb साइन थीटा. साइन 180 जीरो होता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू 0. ओके, अब ये मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर को ना थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो. सो इफ यू डिस्प्लेस मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर,
आप हल्का सा डिस्प्लेस करोगे। ओके, थोड़ा सा ऊपर के डायरेक्शन में डिस्प्लेस करो, तो क्या होगा, ये वेक्टर का ये मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर जो है, इसकी ये टेल है, इसका ये हेड है, हेड पे जो हमेशा फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा, तो इस पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा एंड इस पे फोर्स जो है वो ये डायरेक्शन में लगेगा। अब आप खुद ही सोचो ऐसा है एंड आप ये ऐसे फोर्स लगाते हो तो ये जो है ये और अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर जाएगा ना, इट विल नाउ स्लोली बिकम स्ट्रेट, ये ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो आप इसको अगर जो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हो तो थोड़े से डिस्टर्बेंस के बाद ये और ज्यादा डिस्टर्ब होता जाएगा, सो दिस बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए विच शुड बी इक्वल टू एम इन टू बी। तो अब वो चेक करता है इस केस में हाउ मच वुड बी द पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज वी नो एम बी कॉस थीटा, सो दिस इज माइनस एम बी कॉस 180 इज माइनस 1, सो दिस इज प्लस एम बी। ठीक है, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। फाइन, सो आई होप आपको ये समझ में आ चुका है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है, कैसे गेस किया जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है तो उसके हेड पे आप फोर्स सेम डायरेक्शन में लगाओगे, आप उस हेड को नॉर्थ पोल की तरह देखो, उसके टेल को आप साउथ पोल की तरह देखो। नॉर्थ पोल जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट करता है और साउथ पोल जो होता है वो साउथ पोल नेगेटिव चार्ज की तरह एक्ट करता है। ठीक है, ओके ओके। द नेक्स्ट कंसेप्ट नाउ दैट वी विल लुक एट इज समथिंग कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। सी, इस चैप्टर की ना जो सारी मेन चीजें है ना, मतलब इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक, सो मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड फर्स्ट बाय मूविंग चार्जेस, राइट, करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो वो वाला सेक्शन जो है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने में है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा ना, दैट नेक्स्ट सेक्शन इज अबाउट क्लासिकल मैग्नेटिज्म। क्लासिकल मैग्नेटिज्म मतलब हम लोग बार मैग्नेट की बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट, उस पर टॉर्क कितना लगेगा, वो अपने आसपास कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एंड द लास्ट पार्ट वुड बी अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। But the important part is basically the magnetic field that is produced by moving charges or the force experienced by moving charges, जो अब तक हम लोगों ने पहले 10-11 lectures में cover किया है, वो जो सारी चीज है ना, those are very very important. Now we will look at magnetic flux. ये magnetic flux क्या होता है, it is basically number of flux lines passing through a given given surface. Okay. So जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है ना, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी होती है। मान लो ये बार मैग्नेट है, ओके, नॉर्थ साउथ, तो आपको पता है ये बार मैग्नेट जो है वो अपने आसपास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एंड ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होती है दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप्स। मान लो ये एक ऐसी और एक है, ये एक ऐसी और एक है, तो आप अगर जो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया देते हो तो इस एरिया में से यू कैन सी दैट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पासिंग, राइट। सो आपका जो भी फ्लक्स पास हो रहा है ना इसमें से, इट इज प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट आर पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। नाउ हाउ डू यू फाइंड दिस आउट, सो ये जो फ्लक्स होता है, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किया था, उसी तरह से हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। So it is B dot A. So where B is basically your magnetic field vector and A जो होता है, this A is our area vector. ये area vector होता है, ठीक है। Now I can write this as flux is equal to B into A into cos theta. Okay. So let's say we have area vector which is in this direction. मान लो कि ये
ऐसे एक शीट है इस तरह से, तो आपका एरिया वेक्टर जो होता है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया, आपका जो एरिया वेक्टर होगा वो ये डायरेक्शन में होगा। ओके लेट्स से यू हैव यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे पास हो रही है। ओके सो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड आपकी ये डायरेक्शन में, सो दिस एंगल इज थीटा, सो आ फ्लक्स को ऐसे लिखोगे बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। सो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गिवन एरिया, यहां पे मैंने अज्यूम किया कि मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, कि हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है दैट इज सेम, दैट इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग, एंड डायरेक्शन भी सेम है, बट हर बार ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। सो बिफोर वी गो ऑन टू वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, आई होप आपको ये समझ में, इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। फ्लक्स बस आपको ये बताता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दैट आर पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। ओके नाउ इफ यू सी ओवर हियर आई कैन राइट फ्लक्स इन टू वेज, आई कैन राइट इट एज बी कॉस थीटा इंटू ए, और फ्लक्स कैन बी रिटर्न एज बी इंटू ए कॉस थीटा। नाउ व्हेन आई से बी कॉस थीटा का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ बी कॉस थीटा, सो बी कॉस थीटा इज बेसिकली दिस डायरेक्शन। सो आई कैन राइट फ्लक्स एज अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फ्लक्स क्या है, फ्लक्स कैन बी रिटर्न एज ओके इट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द एरिया वेक्टर। सो बी कॉस थीटा इज नथिंग बट द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर। ठीक है, तो इधर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज परपेंडिकुलर टू दिस एरिया ना, ये जो आपका एरिया है या ये जो सरफेस है, ये जो बी कॉस थीटा इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सो दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, कंपोनेंट नॉर्मल टू द सरफेस। ओके इसको और एक तरह से आप समझ सकते हो, फ्लक्स को आप ऐसे भी देख सकते हो बी इंटू ए कॉस थीटा। सो नाउ इफ यू लुक एट दिस, ये आपका एरिया था। ओके एरिया वेक्टर जो था आपका ये डायरेक्शन में था, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में थी। तो व्हेन आई से ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा हो जाएगा ये, दिस बिकम्स योर ए कॉस थीटा। तो इफ यू हैव ए कॉस थीटा दिस वे, कैन यू टेल मी, अगर जो आपको मान लो ए कॉस थीटा, मैं आपको बोल रहा हूं कि एक मान लो एक ऐसा एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में है, तो एरिया कैसा होगा, तो इफ यू लुक एट दैट एरिया वुड बी दिस वे ना, इसको परपेंडिकुलर होगा वो एरिया, सो दैट एरिया वुड बी तो आप एक काम करो इसको आप सीधा कर दो, या एग्जैक्टली पूरा सीधा मत करो इसका, इस सरफेस का, इफ यू सी ये जो यहां पे ये सरफेस है, इस सरफेस का हम लोगों ने वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट किया हुआ है, ये आया समझ में। सो इफ योर एरिया वेक्टर इज ए कॉस थीटा, देन आपका जो सरफेस होगा, अगर जो एरिया वेक्टर आपका ऐसा है तो आपका सरफेस स्ट्रेट होना चाहिए, सो यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस एज ए कॉस थीटा कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज, अच्छा द कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर ओके इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ए कॉस थीटा इज बेसिकली कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है,
अच्छा, आप कई बार ऐसा होगा कि ये तो हम लोगों ने बहुत ही सिंपल से केसेस अज्यूम किए जहां पे हमने माना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी यूनिफॉर्म है, बट हर बार आपकी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी ऐसा जरूरी नहीं है. ओके, सो योर मैग्नेटिक फील्ड्स कैन बी डिफरेंट. तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे? सो जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव एन एरिया विच हैज गॉट ऑर्बिट शेप, ये ऐसे एरिया है, ओके, एंड ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसी है, तो हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी अलग है ना, एंड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड माइट ऑल्सो बी डिफरेंट. तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, एक छोटा सा एरिया कंसिडर करते हो, लेट्स से दिस एरिया इज डी ए. ओके, इस एरिया पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका ऐसा है, एंड आपका मान लो एरिया वेक्टर ऐसा है, दिस इज योर एरिया वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मान लो दिस एंगल इज थीटा. तो ऐसे केस में पहले तो आप यहां से छोटे से पार्ट से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो निकालोगे. सो ये कितना फ्लक्स पास हो रहा है, इट इज इक्वल टू बी इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, बी इंटू द एरिया दैट इज डी ए इंटू कॉस थीटा. सो ये फ्लक्स हो जाएगा बी इंटू बी डॉट डी ए. ठीक है, तो आपको टोटल फ्लक्स अगर जो चाहिए इस पूरे एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, जस्ट इंटीग्रेट दिस बी डॉट डी ए. ये आपको कहां पे यूज होगा, मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है कि एक इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है, ओके, इसमें से करंट आए पास हो रहा है, एंड इसके बाजू में हम लोगों ने एक लूप रखा हुआ है, वी हैव केप्ट अ लूप बिसाइड्स दिस. नाउ आपको अगर जो यहां से फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो यू नो दिस कि मान लो यहां पे लेट्स से दिस डिस्टेंस इज आर वन, एंड यहां पे अगर जो मैं एक छोटा सा स्ट्रिप कंसिडर करता हूं, दिस डिस्टेंस इज आर टू, तो दोनों जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज अलग होंगी. द रीजन इज बिकॉज कि ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर. तो अगर जो आपका आर डिफरेंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होगी, तो आप डायरेक्टली बी इंटू ए नहीं कर सकते, आपको छोटा एरिया देना है, ओके, डी ए, आपको यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, देन फिर आपको इंटीग्रेट करना है. सो मैं आपको कुछ सॉलिड एग्जाम्पल्स भेजूंगा जहां पे ऐसी चीजें कवर्ड होंगी. ओके, ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. आपको एटलीस्ट ये समझ में आ चुका है कि फ्लक्स क्या होता है, वॉट इज फ्लक्स एग्जैक्टली. ठीक है, ओके देन, चलो वी विल एंड दिस सेशन ओवर हियर. बाय एवरीवन.